सबसे पहले जो भी घटना हुई, अधिवक्ता की हत्या हुई, अधिवक्ता पिता और पुत्र थे, उनकी जो हत्या हुई, अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है। अधिवक्ता के सुरक्षा के लिए हमारा मांग और शब्दों में इसकी निंदा की जाए वह कम है। आज का जो वाक्य है कि 6:30 बजे वो मॉर्निंग कोर्ट है आ रहे थे, कोर्ट के बैठे हैं कैंपस में वरिष्ठ वकील के पास। वरिष्ठ वकील साहब से जो घटना हुई छपरा में, दुखद घटना, पिता भी रामदेव प्रसाद जी, उनका नाम बताया जाता है, ये जो खुद वकील और उनका लड़का, खुद वो भी वकील, नया लड़का था, बाप बेटा के साथ घटना हुई, यानी दो लॉस बिहार आपको ये वार कोर्ट वार से कह सकते हैं नुकसान हुआ। आखिर ये घटनाएं कब तक चलती रहेंगी? कभी यहाँ की घटना, सहरसा की घटना, पहले भी घटना, तो क्या घटना में क्या पुलिस का जो एक रोल होता है, पुलिस का डर ख़त्म है, या जो भी निजी कुछ बातें हैं ये टटोलते हैं अपने वरिष्ठ वकील साहब से, परिचय देते हुए बताएंगे घटना के बारे में। आज तो सबसे पहले जो भी घटना हुई, अधिवक्ता की हत्या हुई, दो अधिवक्ता पिता और पुत्र थे, उनकी जो हत्या हुई यह बहुत निंदनीय है। आज जितना कठोर शब्दों में इसकी निंदा की जाए वह कम है। आज का जो वाक्य है कि 6:30 बजे वो मॉर्निंग कोर्ट है आ रहे थे, मेथवलिया से वो आ रहे थे यहाँ पर CPS के सामने जो है अपराधियों ने, हालांकि जो DSP साहब जो बोले हैं उसमें वो बोले हैं कि 4 पर जो है फर्द बयान अभी नहीं आया है, ई फर्द बयान जो है वो आ गया है, जिसमें घर के लोगों ने 4 व्यक्ति को नामजद बोला है, जिसमें कि 2 की अरेस्टिंग हो गई है और 2 को पुलिस जो है ट्रेस कर रही है पकड़ने के लिए। यह घटना का एक पहलू है। ठीक है, FIR होगा, जो नेम्ड होंगे उनकी अरेस्टिंग होगी, कोर्ट में ट्रायल होगा, वो सारी बातें हैं, लेकिन अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है। अधिवक्ता के सुरक्षा के लिए हमारा मांग यही है, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट बार काउंसिल हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू क्यों नहीं? अब कब? क्या हम लोग सारे अधिवक्ता मारे जाएंगे उसके बाद यह लागू होगा? मैं कोई नेता नहीं हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश है स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो भी हमारा संगठन है स्टेट बार काउंसिल का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, हम लोग एडवोकेट के सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, जहाँ तहाँ वकील मारे जा रहे हैं, हम लोग जो है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं बिल्कुल अपने आप को, क्योंकि जो भी लिटिगेशन सेंटर है वो सिविल कोर्ट, हर जगह का सिविल कोर्ट, जितने जिले भर का जो लिटिगेशन सेंटर है वो आपका सिविल कोर्ट है, और सिविल कोर्ट में अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमारी गुजारिश है, हमारी मांग है स्टेट बार काउंसिल से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जितना जल्दी हो लागू हो, और हम लोगों की जब मीटिंग हो रही है तो मीटिंग में हम लोग कहेंगे कि जब तक यह लागू नहीं तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। आज हम लोगों ने काम का बहिष्कार किया है, आज हम लोगों ने कोई न्यायिक काम नहीं किया, फिर हम लोगों की मीटिंग बैठेगी और मीटिंग में हम लोग पास करेंगे कि हम लोग जब तक इसका निदान नहीं निकलता है तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। एक सवाल है कि 2 अरेस्ट हैं, न्यायालय में आएंगे, 2 अरेस्ट के बचाव में, डिफेंस में, क्या कोई वकील ब्रदर कोई मुकदमा लड़ेगा? या भी हम लोगों के संगठन में यह फैसला हो जाएगा कि कोई भी वकील की हत्या में नामजदी है, घटना हो गया कोई काम नहीं, तो उसके तरफ से कोई काम नहीं करेगा। मीटिंग नहीं हुआ है अभी, इसलिए हम लोग उस मीटिंग में रखेंगे, इस बात को रखेंगे कि अधिवक्ता की हत्या यदि कहीं भी होती है, यदि जो नेम्ड FIR में नेम्ड एक्यूज होते हैं उसके तरफ से अधिवक्ता कोई भी काम नहीं करेंगे। इसी यही नहीं, आगे भी पीछे भी जो भी हो रहा है अधिवक्ता के विरुद्ध जो है, किसी अधिवक्ता का मर्डर होता है, कोई भी डिफेंस से कोई एडवोकेट काम नहीं करेंगे। हमारी यह मांग, अब ऐसा संगठन जैसा करे, क्योंकि हम तो संगठन में आम सहमति बनेगी, कोई काम नहीं करेगा। ये कब तक चलेगा आपका ये काम नहीं करने का, ये कब तक का प्रोग्राम? आज का तो हो गया, आज फिर जैसा हम लोगों का मीटिंग होगा, जैसा लोग आज करेंगे, क्योंकि संगठन में ताकत होती है, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। संगठन में यह प्रस्ताव आया है कि इसके लिए हम लोग आगे जो है, जैसा होगा, आज रणनीति बने, कल रणनीति बने, इस पर रणनीति बनेगी और आगे की ओर इस पर जो है काम किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ये रहा इनका रिएक्शन, अब आगे देखते हैं। हम चलते हैं, जो मृतक जो वकील साहब हैं, हम चलें उनके घर की तरफ। जय हिंद।